चांद देखने के लिए मैं पहुंच चुका हूं जी साहले समुंदर के बिल्कुल ऊपर। अभी चांद दिखाई देगा तो आपको भी दिखा देता हूं लाइव, देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूं आपके साथ और आप मेरे साथ रहिए। बस अभी कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा ईद अल अजहा कुर्बानी का चांद, इंशाल्लाह ताला हम साथ में देखेंगे। अभी टाइम हो गया है भाई गालबन 7 बजे का, तो थोड़ी देर बाद चांद मगरब के बाद इंशाल्लाह ताला दिखाई देगा और मैं देखूंगा और कोशिश करूंगा आपको भी साथ में दिखा सकूं। यहां भाई मैं आपके साथ एक बात वाजिया करता चलूं, पहले के जिन भाइयों ने कुर्बानी करनी है वो अपने नाखून वगैरह और बाल वगैरह कटवा लें अभी, क्योंकि जब भाई मगरब की अजान के बाद फिर आप नहीं कटवा सकते, आप सब भाइयों को पता है। तो अगर आपने कुर्बानी करनी है तो अपने बाल और नाखून कटवाइए। तो देखते हैं जी चांद, जैसे ही थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ फिर आता हूँ। पहुंच चुका हूं साहले समुंदर पर, आपको समुंदर भी साथ में दिखा देता हूं। सामने देख ली, सूरज अभी गुरूब हो ही गया है, बल्कि बिल्कुल समुंदर में गुरूब हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी धुंध टाइप है नीचे, बादल टाइप आप बोल रहे हैं, यहाँ पानी की औस है तो इस वजह से आपको कैमरे से शायद दिखाई ना दे। तो चांद अभी भाई वाजह नहीं हुआ, जैसे ही वाजह होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखते हैं जी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो पूरी है कि दिखाई देगा और अभी चंद ही मिनट में दिखाई देगा तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। माशाल्लाह अभी जी मगरब के टाइम, काफ़ी मगरब के टाइम जाने का जमात ख़त्म हो गई है, तो चांद बिल्कुल हल्का सा दिखाई दे रहा है। शायद मैं आपको कैमरे की जूम से देख सकें आप, ये समुंदर के किनारे पर हूँ इसलिए शायद वो दिखाई दे रहा है, वरना बिल्डिंग बुल्डिंग के अंदर तो दिखाई नहीं देता है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ इधर, अगर आप देख सकें तो बिल्कुल हल्का सा बादलों में हल्का सा दिखाई दे रहा है वो सामने। तो कैमरे में शायद मैं आपको दिखा सकूँ या ना। तो तमाम परदेसी भाइयों को भाई हज मुबारक, ईद मुबारक, जो कि अभी कुछ ही दिन बाद आएगी, यानी कि जुम्मे वाले दिन, ये जुम्मा नहीं भाई, इससे आने वाले जुम्मे को ईद है सऊदी अरब में। तो आप सबको ईद मुबारक जी मेरी तरफ से भी।